खरगोन जिले के बढ़वा में आज युवक की मौत से गुस्साए आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के सामने युवक का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल शुक्रवार को बढ़वा के नावघाट खेड़ी में मारपीट के दौरान घायल युवक कालू पिता राजू केवट की आज इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने दोषियों की गिरफ्तारी और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पर कार्यवाही की मांग को लेकर शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़वा एसडीओपी ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। देर शाम शव का अंतिम संस्कार हुआ। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले शादी में नाचने की बात पर मृतक और उसके साथियों का आरोपियों से विवाद हुआ था। विवाद के बाद शुक्रवार को नावघाट खेड़ी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गए कालू केवट नाम के युवक के साथ कुछ युवकों ने डंडे और पाइप से जमकर मारपीट की थी। मारपीट में घायल युवक कालू को इंदौर उपचार के लिए रेफर कर दिया था। आज कालू की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर आक्रोश व्यक्त कर करीब आधा घंटे शव रखकर बड़वा थाने पर प्रदर्शन किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कल नावटाखेड़ी पेट्रोल पंप के पास एक घटना घटी थी। इसमें तीन लोगों के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी। उसमें से एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा ही जो घायल था कालू केवट उसको अस्पताल पहुंचाया गया था और बड़वा से फिर वो इंदौर रेफर हो गया था, जहां इंदौर में उसकी शाम को मौत हो गई थी। इस पर से परिजनों द्वारा ये कहा जा रहा था कि पुलिस द्वारा समय पर अगर इसे इंदौर भेज दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी, परंतु पुलिस ने उसमें उचित कार्रवाई करते हुए तत्काल ही उसे अस्पताल भिजवाया था और अस्पताल से जब स्थिति थी तो डॉक्टर्स ने अपने हिसाब से उसको एमएच रेफर किया था, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई थी। थाने पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें 7 लोग आरोपी, जिसमें 7 की में से 6 की व्यक्तियों की हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिर भी कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति ली गई थी और उन्होंने कुछ डिमांड्स थी गिरफ्तारी को लेकर और पुलिस की लापरवाही के संबंध में हमने एसडीओपी को जांच के लिए बता दिया है। यदि लापरवाही पाई जाती तो निश्चित रूप से वो दंड के भागीदार होंगे। उनकी क्या मांग है? एएसआई जिसने मौके पर तत्काल पहुंचा था उसे हटाने की बात कर रहे थे, परंतु प्रथम दृष्टया एएसआई द्वारा उचित कार्रवाई की गई है क्योंकि उसने तत्काल ही घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया था। और इसके अतिरिक्त आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में बात की तो आरोपियों में भी अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या घटना हुई आपके? घटना ये हुई, हमारा भाई दीपक उर्फ कालू केवट जो कि नाव चलाने का काम करता है घाट पर, कई दिनों से इनका पुराने रंजिश थे, पुराने विवाद थे, उसी के चलते कल कुछ लोग जो असामाजिक प्रकार के जो लोग थे, असामाजिक तत्व, उन्होंने मिलकर इन पर हमला किया 10-12 लोगों ने। उसी कारण इलाज के दौरान की एमवाई हॉस्पिटल इंदौर में इनकी मृत्यु हो गई। क्या मांग की पुलिस साहब? हमने पुलिस से मांग की है, एसडीओपी साहब, माननीय एसडीओपी साहब, श्रीमान एसडीएम साहब से हमने मांग की है कि सारे जितने भी आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार हो, उनके मकान टूटे, उन पर राशुका की कार्रवाई हो और जो भी इसमें जो पुलिस वाला जो शामिल है उस पर निष्पक्ष जाँच हो और उसे सस्पेंड किया जाए। पुलिस वाला कैसे शामिल है और उसमें कुल? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।